हज़रत सकीना, इमाम हुसैन की वो मज़लूम बेटी, اللهم صل على محمد जो कि हज़रत रुकैया के नाम से भी मशहूर है। मुंतखिब तवारीख के अंदर सैयद इब्राहिम दमिश्की का एक वाक़िया नकल हुआ। सैयद इब्राहिम दमिश्की 90 साल के एक सैयद थे, इनकी 3 बेटियां थीं और बहरहाल इनकी एक बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि मेरे यहाँ बेटा हो। बड़ी बेटी ने ख्वाब देखा, ख्वाब में देखा कि हज़रत सकीना ख्वाब में आई और आकर कह रही हैं कि हाकिम दमिश्क से कहो कि मेरी कब्र में पानी भर रहा है और मुझे शदीद इससे अजियत हो रही है, मेरी कब्र को दुरुस्त करवाए। उसने नजरअंदाज कर दिया, बल्कि अब उठ के बल्कि बाप के पास आई इब्राहिम दमिश्की के पास, सुनाया वाकया, लेकिन बनू मैया का दौर उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। उसके बाद जो मंझली बेटी थी उसने भी अगली रात ये ख्वाब में देखा कि हजरत सकीना आई है और कह रही कि अपने बाप से कहो कि हाकिम दमिश्क के पास जाए और मेरी कब्र को दुरुस्त करवाए। उसने फिर वाकया बाप को सुनाया, बाप इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसने हिम्मत नहीं हुई उसकी कि मैं जो हूं जाऊं और बादशाह के पास कहीं मुझे मरवाई ना दे। उसके बाद सबसे छोटी बेटी ने भी यही ख्वाब देखा, वो भी इब्राहिम दमिश्की ने नजरअंदाज कर दिया। यहां तक कि चौथी रात को खुद सैयद इब्राहिम दमिश्की के ख्वाब में हजरत सकीना आई और इंतहा गुस्से से फरमाया कि तुम बात क्यों नहीं सुन रहे हो और हाकिम दमिश्क के पास क्यों नहीं जाते। बहरहाल अब तो खैर लरस्ता कांपता हाकिम दमिश्क के पास पहुंच गया और उसने सारा वाकया बयान किया। हाकिम ने फौरन हुक्म दिया कि नेक अफराद की एक जमात को लेकर जाओ, उलामा को साथ लेके जाओ, पाको पाकीज़ा लिबास पहनो, गुसल करो और वहां जाओ। जब वहां पर गए तो अब इनमें से कब्र के अंदर उतरेगा कौन, तो किसी ने तजवीज पेश की कि जहरी का ताला जिसके हाथ से खुल जाए, वो तालों के ऊपर ताले के ऊपर हाथ लगाए, जिसके हाथ से ताला खुल जाए वही कब्र के अंदर उतरेगा। सैयद इब्राहिम दमिश्की के हाथ से ही वो ताला खुला और उसके बाद कब्र जायरीन से खाली करवाया गया रोजा और इब्राहिम दमिश्की खुद कब्र के अंदर उतरे। हजरत सकीना का जिस्म देखा कि एक नन्ही सी बच्ची वहां पर दफन है और उनके जिस्म को सैयद इब्राहिम दमिश्की ने हाथों में उठाया, कफन तक भी मुतगैर ना हुआ था, अलबत्ता कब्र में चारों तरफ पानी भरा हुआ था। उन्होंने बाहर निकाल के अपने जानों के ऊपर जिस्म अथर को रखा और मुसलसल हाथों पर लिए रहे उनके जिस्म को और मुसलसल रोते रहे। यानी बाकायदा जुमला है रिवायत में वाकये का कि 3 दिन के अंदर उनकी कब्र तैयार हुई। इस पूरे 3 दिनों में सिवाय नमाज के वाजिब के पढ़ने के, उस वक्त जिस्म को एक पाकिजा जगह के ऊपर रखते थे, नमाज अदा करते थे और फिर फौरन अपने हाथों में जिस्म को ले लेते थे। इस दौरान जो खास तौर पर चीज नोट की गई और जो करामत थी बीबी की, वो ये कि इन 3 दिनों के अंदर सैयद इब्राहिम दमिश्की को ना भूख लगी और ना तजदीद वजू की जरूरत पेश आई। और उसके बाद जब दोबारा कब्र को सही दूसरी जगह के ऊपर दफन किया गया उनके जिस्म अथर को, तो उस वक्त सैयद इब्राहिम दमिश्की को जो शुरू से एक उनकी दिली ख्वाहिश थी कि मेरे यहाँ बेटे की पैदाइश हो, उस वक्त उन्होंने बीबी के हवाले से परवरदिगार आलम से दुआ की बेटे के लिए और 90 साल की उम्र में सैयद इब्राहिम दमिश्की के यहाँ बेटे की विलादत हुई, जिसका नाम फिर उन्होंने सैयद मुस्तफ़ा रखा। हाकिम शाम ने इस पूरे वाक़े को तफसील के साथ लिखकर सुल्तान अब्दुल हमीद तुर्की में उसने रवाना किया और उसके बाद जो हाकिम था तुर्की का उसने हज़रत ज़ैनब और हज़रत सकीना या हज़रत रुकैया के रोज़े की जो तौलियत थी वो सैयद इब्राहिम दमिश्की के हवाले कर दी। दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो आपने देखा कि बहरहाल कितनी खानदाने, ये तो अहले बैत के हवाले से बात थी, लेकिन उलमाए आलाम ये जो दीन की शमें जो रोशन करते हैं और पैगाम हक जो लोगों तक पहुंचाते हैं, खुद उनके जिस्म के मुतालिक मोहम्मद इब्ने याकूब कुलैनी, बगदाद का जो खलीफा था, वो 7वें इमाम के रोजे के ऊपर लोगों के बेइंतहा रश को देखकर शदीद तरीन जलता था। उसको किसी ने मशवरा दिया कि आप शियों का अकीदा है कि इनके इमामों के जिस्म खराब नहीं होते, आप ऐसा करें कि इनके 7वें इमाम जो हैं इनके कब्र को खुदवाकर इनके जिस्म का मुशाहिदा करें। बहरहाल एक वजीर था जो तकिये की हालत में था, बादशाह को मुसलसल
बादशाह को मुसलसल वो समझाता रहता था कि आप ऐसा ना करें, लेकिन जब उसने देखा कि किसी तौर को खुदवाकर देखें, आप ऐसा करें कि मोहम्मद इब्ने याकूब कुलैनी की कब्र को खुदवाकर देख लें। उनका नजरिया इसके मुतालिक भी यही है और आपको जो तसल्ली करनी है आपकी तसल्ली भी हो जाएगी। बादशाह की समझ में ये बात आ गई और मोहम्मद इब्ने याकूब कुलैनी की कब्र को खुदवाकर देखा, तो बाकायदा देखा कि मोहम्मद इब्ने याकूब कुलैनी का जिस्म बिल्कुल जैसे कि अभी अभी दफनाया गया हो, और उनके साथ एक और कब्र भी जाहिर हुई जो एक बच्चे की कब्र थी, बच्चे की कब्र। इतना और बता दूं कि मोहम्मद इब्ने याकूब कुलैनी गैबत सोहरा के दौर के उलमा में से हैं, यानी खुद इमाम जमाना अज्जलल्लाहु ताला फरजह शरीफ गैबत सोहरा में मौजूद थे और गैबत कुबरा के अवाइल में मोहम्मद इब्ने याकूब कुलैनी का इंतकाल हुआ है और इनकी कब्र बगदाद में है। आगे बुजुर्ग तेहरानी ने बाकायदा सैयद मोहम्मद हाशिम बहरानी, जिनकी किताब लोलू के नाम से मशहूर है, उसमें उनके हवाले से कहते हैं कि कितने ही सिका और बुजुर्ग उलमा ने खुद अपनी आंखों से मोहम्मद इब्ने याकूब कुलैनी के जिसमें अथर का मुशाहिदा किया था बाकायदा। इसी तरीके से यानी आप खुद सोचिए कि गैबत कुबरा के आगाज की बात हो रही और उस जमाने में इनका इंतकाल हुआ था और उसके बाद भी जिस्म वैसे ही जाहिर हुआ।